इटावा क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूं। आप लोग सब प्रसन्नचित हैं, उत्साहित हैं कि वर्षों तक जिसका इंतजार कर रहे थे वो राम मंदिर बन गया है। मैं आपके चेहरों की खुशी देख रहा हूं कि 500 साल से अधिक आप सबकी मनभावना थी कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने। प्राण प्रतिष्ठा हो और ये सौभाग्य भी आपकी पीढ़ी को मिला है कि भव्य राम मंदिर भी बना है और प्राण प्रतिष्ठा भी हुई है। एक पीढ़ी इसके लिए संघर्ष किया, बलिदान दिया, अपनी धरती पर हमारी आस्था विश्वास के केंद्र राम मंदिर बनाने के लिए हमें हमारी धरती पर ही संघर्ष देना पड़ा, बलिदान देना पड़ा। बाबा जी के चेहरे पे खुशी है। हर गांव के अंदर दिवाली है, उत्साह उमंग है। ये समय सांस्कृतिक पुनः जागरण का समय है। ये समय देश में परिवर्तन का समय है। ये समय देश को आगे बढ़ाने का समय है। ये समय आत्मनिर्भर भारत बनाने का समय है। ये समय विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित होकर काम करने का समय है। और इसीलिए इस समय इटावा के अंदर भी विकास हो, इटावा के आसपास के उन ग्रामीण अंचल के अंदर जो वर्षों से मूलभूत सुविधाओं के लिए इंतजार कर रहे थे, अब समय आ गया है कि अगले 5 वर्ष में दिल्ली की सरकार भी आपकी है और राजस्थान की सरकार भी आ गई है, तो समय आ चुका है। मुझे भी इंतजार था, कि जब राजस्थान में सरकार होगी, दिल्ली में सरकार होगी, तब हम इटावा के इस तहसील का नियोजित तरीके से विकास करेंगे और यहां की एक एक मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने का काम करेंगे। आज 150 कामों और 42 करोड़ के कामों का शिलान्यास और लोकार्पण है, लेकिन हमारा लक्ष्य तो बहुत दूर है। हमारा लक्ष्य है कि इस इटावा को भी, जहां आसपास के दूर दराज के लोग यहां पर आते हैं, उन सबको मूलभूत सुविधाएं मिल सके, क्योंकि इटावा की और कोटा की दूरी 73 किलोमीटर है और इसीलिए 73 किलोमीटर होने के कारण किसी व्यक्ति को इलाज कराने में 1 घंटा लगता है। मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था
कि राजस्थान की जब सरकार आएगी तो यहां पर एक बेस्ट हॉस्पिटल बनाया जाएगा ताकि सबका इलाज यहां हो सके। इस कॉलेज के अंदर जो कुछ कमी है उनको भी पूरा किया जाएगा और जो हमारे खिलाड़ी जो पटवारी पुलिस सब वन रक्षक की परीक्षाएं तो पास कर लेते हैं लेकिन शारीरिक परीक्षा के अंदर फेल हो जाते हैं क्योंकि इटावा के बच्चे को कोटा जाना पड़ता है, खेलने का स्टेडियम नहीं था। अभी 4.5 करोड़ रुपए का खेल का स्टेडियम इंडोर स्टेडियम बनेगा। आने वाले समय के अंदर राजस्थान में पहला एक तहसील हेडक्वार्टर होगा जहां 7 करोड़ की लागत से हम एस्ट्रोटर्फ बनाएंगे 2 साल में। मुझे कोटा में एस्ट्रोटर्फ बनाने में 70 साल लगे, 70 साल। लेकिन मेरा सपना है कि राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर तहसील स्तर पर कोई एस्ट्रोटर्फ बनेगा तो सबसे पहले इटावा का बनेगा ताकि यहां का खिलाड़ी बच्चा भी देश और विदेश में भारत का गौरव सम्मान बढ़ा सके। ये सारा इलाका किसानी का इलाका है और किसानी का इलाका होने के कारण यहां पर नहरी तंत्र की सुधार की बहुत गुंजाइश है। कई तेल क्षेत्र जहां पानी नहीं पहुंचता, कई इलाके के अंदर देरी से पानी पहुंचता है। हम सीएडी के नहरी तंत्र का पूरा अध्ययन करने के बाद इटावा के हर खेत में कैसे पानी पहुंचे इस 5 साल के अंदर कार्य योजना बनाकर इटावा के हर गांव और खेत तक पानी पहुंचाने का काम अब करेंगे। क्योंकि इटावा के हर खेत में पानी पहुंचने लग गया तो इटावा की जैसी जमीन राजस्थान छोड़ हिंदुस्तान में ऐसी जमीन नहीं जो इटावा की जमीन है। और इसीलिए इटावा के अंदर हर खेत तक पानी पहुंचे, पीने का पानी हर गांव तक पहुंचे, हर गांव तक बेहतर रोड कनेक्टिविटी हो ताकि किसान अपना माल मंडी में लाकर बेच सके। इस मंडी में अभी जाम लगने की समस्या आती है तो इसका एक बाईपास का निर्माण कार्य भी शुरू कर देंगे ताकि मंडी के अंदर भी जाम नहीं लगेगा और इटावा के अंदर भी जाम नहीं लगेगा। मैं अभी नेता लोगों से पूछ रहा था कि इटावा की बड़ी समस्या बताओ, एक समस्या बताई सनाजर की पुलिया, ये बताए ना। दूसरा हॉस्पिटल, तीसरा नहरी तंत्र, चौथा स्टेडियम, पांचवा पीपलदा के अंदर रेल, उसका काम शुरू हो चुका है, उसका सर्वे शुरू हो चुका है। मुझे आशा है उसका भी बेहतर परिणाम जल्दी से आएगा। इटावा की मूलभूत सुविधाओं और बड़ी सुविधाएं के लेकर मैं चिंतित हूं और मेरी कोशिश है कि इटावा के अंदर 5 साल के अंदर कोई बड़ी समस्या न रहे। और इसलिए आप निश्चित मानना,
इसका मिलकर काम करेंगे। इटावा का किसान समृद्ध हो, खुशहाल हो, उनकी जिंदगी बेहतर हो, बच्चों को अच्छा अस्पताल मिले, अच्छे शिक्षा के केंद्र मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति का इलाज इटावा में हो सके। एक परेशानी जरूर आती है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बनाएंगे, डॉक्टर आने में नहीं घबराते, यहां डॉक्टर आते नहीं है, जिस डॉक्टर को लगाओ वही आता नहीं है, इससे यहां के बच्चों को डॉक्टर बनना पड़ेगा और डॉक्टर बन के इटावा में सेवा करे काम करना पड़ेगा। हॉस्पिटल की बिल्डिंग के पैसों की दिक्कत नहीं है, कितनी बड़ी बिल्डिंग बना दें, क्योंकि अभी मुझे कागज मिला, मैंने एक एम्बुलेंस दी थी यहां पर, बिल्कुल हाई लेवल की एम्बुलेंस थी जिसमें सारे सिस्टम थे। पता चला ड्राइवर डीजल का खर्चा कौन उठाएगा, उसके लिए एम्बुलेंस यहां पे खड़ी है नहीं कि नहीं। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं, अगले 5 साल के अंदर आपको एक बेहतर सामुदायिक भवन बनाएंगे ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति यहां पर बढ़िया शादी कर सके, जिसमें 30-40 कमरे भी होंगे और हॉल भी होगा ताकि यहां ठहर कर काम कर सके। इसका काम भी 5 साल के अंदर पूरा कर देंगे। आप निश्चित मानिए, जिस विश्वास भरोसा आपने रखा है, हमारी कोशिश रहती है उस विश्वास भरोसे को कायम रखें और इटावा के अंदर, इटावा के विकास के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप निश्चित मानिए, समय लग जाता है, कई बार सरकारें राज्य की नहीं होती थी तो तकलीफ होती थी, अब दोनों एक सरकार होने से निश्चित रूप से जो समस्या उसकी समाधान तत्परता से होगा। और मेरा विशेष रूप से केवल मेरे लोकसभा के अंदर एक इटावा ऐसा क्षेत्र है जो थोड़ा पिछड़ा हुआ है, इसलिए उस इटावा को सबसे आगे लाने की मेरी जिम्मेदारी है, मैं इसको लाके रखूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।